हेलो क्लास, दिस इज़ भारती पिनोत्रा गोइंग टू टेक योर ग्रामर क्लासेस फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम। आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें हमारे आठ पार्ट ऑफ स्पीच में आठ होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शंस, इंटरजंक्शंस और प्रपोजिशंस। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, फर्स्ट टॉपिक इज़ नाउन। ठीक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक है नाउन। ये तो आप सबको पता होगा, नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। बट अगर हम इसको एक वर्ड में लें तो हम इसको बोल सकते हैं द नेमिंग वर्ड्स। द नेमिंग वर्ड। बचपन में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज नाउन। नाउन तो हम यही बोलते हैं, नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन अभी हमने ये सब चीज़ें करनी है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हमारे कुछ रूल्स रहेंगे नाउन को लेके, प्रोनाउन को लेके। हम सारे टॉपिक्स को लाइन वाइज करते चले जाएंगे। बट आज का जो हमारा टॉपिक है नाउन, तो इसके रूल पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि नाउन को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और नाउन कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, ये तो हमने बोल दिया नेमिंग वर्ड है। किसी भी चीज़ को जब हम नाम दे देते हैं, किसी भी जगह को, किसी भी प्लेस को, किसी भी पर्सन को, एनिमल को, थिंग को, तो वो सब हमारा होता है नाउन के अंडर आता है। ठीक है, तो नाउन के अगर हम टाइप्स की बात करें तो नाउन है थ्री टाइप्स के। फर्स्ट वन इज नाउन की हम अगर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं थ्री टाइप्स में। जैसे फर्स्ट टाइप्स हमारे हो गए बेसिक टाइप्स। बेसिक टाइप्स तो ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं। जैसे हम पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है। पढ़ने तो हमने रूल्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपका ओवरव्यू कराना बहुत ज़रूरी है कि नाउन कितने टाइप्स का होता है और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन। फिफ्थ वन इज मटीरियल नाउन। ठीक है, यहीं पे लिख रही हूँ मैं, मटेरियल नाउन। ठीक है, सेकेंड वन होता है हमारा नाउन के टाइप्स पे जो क्लासिफिकेशंस होती हैं, वो हमारी होती है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। ठीक है, और थर्ड वन हमारा होता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ठीक है, अब मैं इसका थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। प्रॉपर नाउन तो आपको ऑलरेडी पता है, प्रॉपर नाउन विच इज कंसिडर एज अ पर्टिकुलर नाउन। किसी भी हम पर्टिकुलर चीज़ को कोई नाम दे देते हैं तो वो हमारा हो जाता है प्रॉपर नाउन। पर्टिकुलर चीज़ को, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को नाम देने को हम बोल देते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, नेक्स्ट वन आ गया हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या है, हम किसी भी करैक्टर के हिसाब से, करैक्टरिस्टिक्स जब हम किसी को दे देते हैं, कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं। जैसे मैं बोलूँगी एक कोई लड़की है या कोई कुछ ऐसी चीज़ है, या सपोज़ मैंने किसी बर्ड का आपको करैक्टराइज दिया कि कोई छोटा सा कोई जानवर है या कोई बर्ड है, उसके फीदर हैं और वो चार टांगों वाला है, तो आप किसकी तरफ माइंड जाएगा कि वो एक बर्ड है। जैसे मैंने किसी बॉय को करैक्टराइज किया तो बॉय को मैं आप किसी भी करैक्टरिस्टिक्स को पहचान सकते हो, वो हमारे हो गए कॉमन नाउन। इसमें हमारे आगे जैसे हम लिखेंगे बॉय या फिर बॉयज़। ठीक है, अगर मैंने लिखा बॉय या फिर बॉयज़ तो बॉय क्या हुआ हमारा कॉमन नाउन। कॉमन मीन्स आप बॉयज़ तो बहुत टाइप्स के हो गए ना, बट कॉमनली मैं करैक्टराइज किसको कर रही हूँ, किसी बॉय को, तो उसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स या फिर कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं जो हमें कंसिडर करता है एज अ कॉमन नाउन। ठीक है, कुछ करैक्टरिस्टिक्स या कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी जो सब बॉयज़ में सेम होंगी। ठीक है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में जैसे कि ग्रुप होगा,
आठ दस का, दो चार का, पाँच सात, जितने भी आप ग्रुप में एक मेंबर्स ले सकते हो। जैसे हम बोल सकते हैं हम टीम, तो टीम कितने लोगों की होती है, 11 लोगों की भी हो सकती है। जैसे क्रिकेट टीम में 11 लोग हैं, बट हम कंसिडर उसको सिंगुलर ही करेंगे। जैसे हमने टीम बोल दिया, तो टीम में हमें पता है कि 11 मेंबर्स हैं, ठीक है। बट हम टीम को एज अ नाउन लेंगे जो कि सिंगुलर होगा। उसके बाद आ गया हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होगा, जिसमें हमारी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। फीलिंग्स जो हम टच नहीं कर सकते हैं, बस फील कर सकते हैं, जैसे सॉरो हो गया, हैप्पीनेस हो गया, तो ये सारी चीज़ें आ गई हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। हैप्पीनेस, सॉरो या फिर ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें आ गई हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है। मटेरियल नाउन में क्या होगा, कोई भी ऐसा मटेरियल जिससे कोई ऑब्जेक्ट बनता है, कोई ऑर्नामेंट बनता है, जैसे कि गोल्ड। तो गोल्ड में, गोल्ड से हम कोई भी नेकलेस बना सकते हैं, रिंग बना सकते हैं, जैसे कि वुड, वुड से हम फर्नीचर बना सकते हैं, चेयर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जिससे कोई ऑब्जेक्ट बनता है, वो होता है हमारा मटेरियल नाउन। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, चेयर। ये बनता किससे, जैसे चेयर बन गई हमारी वुड से, वुड, वुड वाली चेयर भी होती है और प्लास्टिक की चेयर्स भी होती हैं। तो जिससे ऑब्जेक्ट बनता है उस मटेरियल को हम बोलते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है। हम डिटेल में इसके रूल्स पढ़ेंगे, तब हम डिटेल में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। नंबर में क्या हो गया हमारा, जैसे एक होता है काउंटेबल, दूसरा हमारा हो गया अनकाउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल तो अनकाउंटेबल आपको ऑलरेडी पता होगा, काउंटेबल जो हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, और अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। बट ये सिंगुलर में प्लूरल में कैसे होंगे, ये जब हम रूल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जेंडर में क्या होगा, फर्स्ट है मैस्कुलर, सेकेंड वन इज फेमिनन, थर्ड वन इज कॉमन एंड द फोर्थ वन इज न्यूटर, ठीक है। मैस्कुलर जेंडर में क्या है, मैस्कुलर में हमारे होंगे जितने भी मेल पर्सन होंगे, वो हमारा हो गया मैस्कुलर, मैन, मेल या फिर बॉय, जितने भी मेल पर्सन होंगे वो हमारे होते हैं मैस्कुलर जेंडर में। जितने भी हमारे फीमेल होती हैं, फीमेल जेंडर, वो हमारे आ जाते हैं फेमिनिन में, जैसे फीमेल, गर्ल, एक्सेट्रा। अच्छा, कॉमन नाउन में, कॉमन नाउन में क्या होगा, इसमें इधर मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया टीचर, तो टीचर क्या हो सकता है, टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। मैंने लिख दिया डॉक्टर, डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो इसमें क्या, इधर मेल या फिर फीमेल, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिख दिया डॉक्टर, तो डॉक्टर आपका मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। अब न्यूट्रल जेंडर में क्या होगा, ना तो इसमें मेल होगा, नीदर मेल नॉर फीमेल। अब इसमें हम कंसिडर करेंगे हमारी सबकी सब नॉन लिविंग थिंग्स को, जितनी भी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होंगी उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ न्यूट्रल जेंडर। और इसके लिए हम ऑलवेज इट का यूज़ करते हैं, ठीक है। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उसके लिए हम अपना इट का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था नाउन को लेके। अब हम पढ़ेंगे इसके रूल्स, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम अब उसी को डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो मैंने सिर्फ ओवरव्यू देना था कि नाउन क्या है, तो इसका ये कंसेप्ट हो गया। अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं कि रूल नंबर वन हमारा नाउन को लेके, एज पर द एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं डिस्कस करूंगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ नाउन। ठीक है, हमारा फर्स्ट रूल है, रूल नंबर वन, जो कि हमारा प्रॉपर नाउन को लेकर होगा। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो पर्टिकुलर नाउन होता है, पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने लिखा प्रॉपर नाउन में,
देखो जैसे हम हमेशा बोल देते हैं द महात्मा गांधी, बट दिस इज़ अ रूल, महात्मा गांधी या महात्मा गांधी का किसी भी पर्सन के नाम के साथ द नहीं आएगा, ठीक है। जैसे हम, मैंने यहाँ पे लिख दिया द, ठीक है, इसका हम यूज़ मैं बताऊँगी प्रॉपर नाउन में ये कहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। हम जैसे लिख देते हैं द महात्मा गांधी, द पंडित जवाहरलाल नेहरू, किसी पर्सन के साथ द सचिन तेंदुलकर, ठीक है, तो ये पर्सन के साथ कभी भी आपका द नहीं आता, आप एग्ज़ाम में इसको टिक करके आ जाते हो, बट वहीं पे आपको एक मार्क कट हो जाता है कि क्यों ये गलत हुआ जी, आपको पता नहीं चलता, ठीक है। मेन चीज़ क्या है, प्रॉपर नाउन के साथ द तब लगेगा व्हेन इट बिहेव एज अ कॉमन नाउन, ठीक है, व्हेन इट बिहेव्स एज अ कॉमन नाउन, ठीक है। अच्छा, आप कॉमन नाउन मैंने आपको बताया किसी करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, करेक्टरिस्टिक्स या कुछ फीचर्स एक पर्सन के आप दूसरे पर्सन में देखते हो, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, द। जैसे हाँ, ये पर्टिकुलर थिंग्स के साथ लग सकता है, जैसे हम लिखते हैं द ताजमहल, ठीक है, दैट इज़ पर्टिकुलर थिंग, बट पर्सन के साथ हम कभी भी द नहीं यूज़ करेंगे। द तब यूज़ करेंगे जब उसके करैक्टरिस्टिक्स हम किसी कॉमन पर्सन को देते हैं, तब हम वहाँ पे द यूज़ करते हैं। जैसे मैंने लिखा, अच्छा यहाँ पे मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ, वह उसके हिसाब से आप एग्जांपल्स देखेंगे, फिर आपको इस चीज़ का डाउट क्लियर होगा। जैसे मैंने लिखा द महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, ठीक है। दूसरा मैं लिख रही हूँ, मोहन इज द महात्मा गांधी ऑफ अवर क्लास, ठीक है, ये दो सेंटेंस हो गए। सेकेंड वन मैंने आपको दिया, ही इज द सचिन तेंदुलकर, ऑफ अवर क्लास, या फिर द सचिन तेंदुलकर इज माय फेवरेट प्लेयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा द महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, ठीक है, महात्मा गांधी ग्रेट लीडर है, और दूसरा मोहन इज द महात्मा गांधी ऑफ अवर क्लास, ठीक है। जैसे मैंने ये दो सेंटेंस, महात्मा गांधी इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है, इसके साथ द कभी भी नहीं आएगा, हम सीधे लिखेंगे महात्मा गांधी वॉज द ग्रेट लीडर। अब कुछ क्वालिटीज होंगी आपकी क्लास के स्टूडेंट्स में, एक स्टूडेंट के एक बच्चे में कुछ क्वालिटी होगी, जैसे मोहन में क्वालिटी है महात्मा गांधी के जैसे, उसकी क्वालिटीज हैं, तो वहाँ पे आपका द यूज होगा कि मोहन में आप महात्मा गांधी की कुछ क्वालिटीज देख रहे हैं, कुछ करैक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, इसलिए वहाँ पे हमारा द यूज होगा। तो ये वाला सेंटेंस हमारा राइट होगा, मोहन इज द महात्मा गांधी ऑफ अवर क्लास, तो हम महात्मा गांधी के कुछ फीचर्स दे रहे हैं मोहन को, तो ये हमारा सेंटेंस सही होगा, ठीक है। सेकेंड वन इज ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ अवर क्लास, ठीक है, तो जैसे अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द सचिन तेंदुलकर इज माय फेवरेट प्लेयर, ठीक है, तो द सचिन तेंदुलकर के साथ द नहीं यूज होगा, ठीक है, सीधे हम बोलेंगे सचिन तेंदुलकर इज माय फेवरेट प्लेयर। बट जब हम सचिन तेंदुलकर के कुछ फीचर्स, कुछ करैक्टरिस्टिक्स हम अपनी क्लास के किसी लड़के में देख रहे हैं, तो वो वहाँ पे पर्टिकुलर जैसा ही बिहेव करेगा, ठीक है। अब उस बंदे के कुछ फीचर्स हैं जो हमारे, आप ही में किसी का भी नाम ले सकते हो किसी पर्सन में, आप ऐसे करैक्टरिस्टिक्स देख रहे हो अपनी क्लास के किसी बच्चे में, तो ये वहाँ पे उसके करैक्टरिस्टिक्स जो यूज़ होंगे,
तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा सचिन तेंदुलकर की, वो लड़का है जो सचिन तेंदुलकर है हमारी क्लास का, मीन्स अब सचिन तेंदुलकर के कुछ फीचर्स उस लड़के में देख रहे हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज, और इसकी एक मेन चीज़ है जो भी जिसके आगे हम द यूज़ कर देते हैं उसका फर्स्ट वर्ड हम हमेशा कैपिटल रखते हैं, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट वर्ड होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। चलिए सॉरी, हम नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन को लेके। और कॉमन जेंडर को लेके, अच्छा कॉमन नाउन का क्या है ये मैंने आपको पहले पिछली थोड़ी देर पहले बता दिया। कॉमन नाउन वो होता है जब हम कुछ करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ठीक है। और कॉमन जेंडर क्या होता है, जिसमें हम इधर मेल और फीमेल को ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि डॉक्टर, तो डॉक्टर मेल भी है फीमेल भी है, या फिर मैंने बोला टीचर तो वो मेल भी है फीमेल भी है। अब जहाँ पे हमें नहीं दिया गया है कि क्या है, जैसे मैंने लिख दिया डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द डॉक्टर टू कुछ भी आप सेंटेंस ले सकते हैं, ठीक है। बट जब मैंने डॉक्टर लिख दिया है तो डॉक्टर के जो फीचर्स होंगे, डॉक्टर एज ए कॉमन नाउन, ठीक है, बट हमें पता नहीं है मेल है या फीमेल है, वहाँ में हम हमेशा मैस्कुलिन जेंडर को ही प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर होगा हमेशा उसी को प्रेफरेंस देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ही। देखो मैं एक सेंटेंस देती हूँ, ठीक है, दो सेंटेंसेस दे रही हूँ, उस पर आपको इस चीज़ का डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा एवरी लीडर शुड डू हिज हर या फिर इट्स, ठीक है, ड्यूटी, हर लीडर को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, पहला ये सेंटेंस हो गया, ठीक है। दूसरा सेंटेंस मैं आपको दे रही हूँ, जैसे मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टूडेंट्स टू रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, ऐसे लिख दो, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टूडेंट्स टू रिस्पेक्ट हिज हर या फिर इट्स एल्डर, ठीक है। ये मैंने दो सेंटेंसेस लिखी है, एवरी लीडर शुड डू हिज हर इट्स ड्यूटी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टूडेंट टू रिस्पेक्ट हिज हर इट्स पेरेंट। तो अभी यहाँ पे ये जो लीडर है ये तो कॉमन नाउन है ही, क्योंकि अगर हम एक को छोड़ के दस लीडर्स की बात करें तो सबके करैक्टरिस्टिक्स, सबकी ड्यूटीज, सबके फीचर्स सेम होंगे, ठीक है। और अगर स्टूडेंट की बात करूं तो उसमें भी सबकी ड्यूटी, सबके सबकी जितने भी स्टूडेंट की क्वालिटीज़ होंगी सबकी सेम होंगी, ठीक है। और ये कॉमन जेंडर में भी हैं, हमें नहीं पता है कि लीडर मेल है या फीमेल है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एवरी लीडर शुड डू हिज ड्यूटी, ठीक है। हम हमेशा किसको लेंगे, मैस्कुलिन जेंडर को। सेकेंड वन, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द स्टूडेंट टू रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने मैस्कुलिन जेंडर लिया है तो यहाँ पे हमेशा हमारा क्या आएगा, हिज, मीन्स मैस्कुलिन जेंडर को ही हम प्रेफरेंस देते हैं, फेमिनिन को नहीं देते, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल हम लेके चलेंगे, अभी दो हो गए प्रॉपर नाउन को लेके। जब द हम ऐसे किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ नहीं लगा सकते, द हम लगाएंगे जब वो बिहेव एज अ कॉमन नाउन करेगा। सेकेंड वन, जब कोई भी हमें लीडर, स्टूडेंट, डॉक्टर, टीचर कुछ भी दिया हो बट उसका जेंडर हमें क्लियर नहीं है और वो कॉमन नाउन भी है, उसमें मेल भी आ सकता है फीमेल भी आ सकता है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हमेशा मैस्कुलिन जेंडर। चलिए नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर थ्री, जो रहेगा हमारा न्यूट्रल जेंडर को लेके, ठीक है। न्यूट्रल जेंडर में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसमें हमेशा हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जो हम कंसिडर करते हैं इट के साथ, नॉन लिविंग थिंग्स
इसके लिए हम ऑलवेज यूज करते हैं इट। बट अब कुछ केसेस हैं जहाँ पर हम, जहाँ पर अभी ये तो नॉन लिविंग थिंग्स हो गया, जो हमारी वुड चेयर कुछ भी लकड़ी से बनी हुई है, नॉन लिविंग थिंग्स। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हमें लिविंग में भी हम इट यूज़ कर सकते हैं, दैट एज पर द रूल। जैसे हम लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया सपोज बेबी किड, इन्फेंट, ठीक है, या फिर स्मॉल क्रिएचर्स, स्मॉल क्रिएचर क्या हो गया, जैसे लिजर्ड, आंट, ये सारी चीजें हो गई हमारी स्मॉल क्रिएचर। लिजर्ड, आंट, स्पाइडर, ठीक है, ये हो गए हमारे स्मॉल क्रिएचर एंड स्मॉल बेबीज जिसको हम बोलते हैं बेबी। जैसे हमने कोई किसी बेबी ने कुछ भी वर्क किया, या आपने टॉयज खरीदे या कुछ भी, तो बेबी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट। बेबी तो लिविंग थिंग है, बट हम उसके लिए इट यूज़ करते हैं एज पर द रूल, जब हमें नहीं पता होगा कि बेबी लड़का है या लड़की है। मैं आपको दो तीन सेंटेंसेस दे रही हूँ, उसके बेस पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट वन इज बेबी लव हिज हर इट्स टॉयज। सेकेंड वन लिजर्ड व्हेन गेट frightened leave his its her tail, ठीक है। अब ये दो सेंटेंसेस लिखे मैंने, baby loves his her its toy। तो baby में अभी हमें कन्फर्म नहीं है वो लड़का है या लड़की है। कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे स्मॉल क्रिएचर में मैंने लिखा Lizard when get frightened leave his her its tail। तो यहाँ पे हमारा होगा क्या होगा, आप तो बोल सकते हैं ना कि बेबी, बेबी में हम his लिख सकते हैं, वो masculine gender में, but जहाँ पे हमारा its होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ ऐसे exception cases होते हैं, जैसे हम ये non living things के साथ तो हम it लगाते ही हैं, but कुछ जगह पर हमें इसके साथ भी it लगाना ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पे वर्ड्स मैंने आपको बता दिए, यहाँ पे स्मॉल क्रिएचर, अच्छा लिजर्ड व्हेन गेट फ्राइटन लीव हिज इट्स हर टेल, तो यहाँ पे हमारा आएगा इट्स, ठीक है। ये हमारा स्मॉल क्रिएचर है, वैसे तो हम इसको फीमेल की तरह करते हैं ना, छिपकली रूम में आ गई, हम लड़की की तरह इसको प्रोनाउंस में दे देते हैं, बट जब हम इसको लिखने में आते हैं तो यहाँ पे हमारा, ये आपके एरर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एरर स्पॉटिंग में ऐसी चीज़ें ज़रूर पूछी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा इट, यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा इट। अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है, रूल नंबर फोर, रूल नंबर फोर क्या कहता है, जहाँ पे अब नॉन लिविंग थिंग्स में हम फीमेल और मेल की क्वालिटीज जहाँ पर देखते हैं वहाँ पर भी हम हर हिज ही का यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखो मैंने आपको बोला नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इट यूज़ करते हैं, राइट, बट अब कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिसमें हम क्या करेंगे, ही या फिर हिज हर शी का भी यूज़ कर सकते हैं। कब, जब हम उसको परसोनिफाई करेंगे। परसोनिफाई मींस जब हम, आपने पोइट्रीज में तो पढ़ा होगा, जब हम बड़े बड़े अर्थ के बारे में, मून के बारे में, स्टार्स के बारे में पोइट्रीज पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी परसोनिफिकेशन होती हैं। जब हम, परसोनिफाई का मतलब है जब हम किसी मेल या फीमेल की क्वालिटीज़ किसी नॉन लिविंग थिंग्स को दे देते हैं, तब हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, मेल या फीमेल की क्वालिटीज़ को, मेल या फीमेल का प्रोनाउन, ठीक है। जैसे देखिए मैंने अब लिखा परसोनिफिकेशन करते हैं जब हम, ठीक है, परसोनिफाई हम किस किस को करेंगे, मेल या फीमेल की क्वालिटीज़, मेल या फिर फीमेल की क्वालिटीज़ की क्वालिटीज़ जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स को देते हैं,
जब हमने किसी मेल या फीमेल की क्वालिटी को नॉन लिविंग थिंग्स को दे दिया, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ। जैसे देखो, मेल के फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले मेल के फीचर हो गए हमारे मैस्कुलिन और फेमिनिन, ठीक है। मेल क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, इनमें स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, या फिर गुस्से वाले होते हैं, ठीक है, एग्रेसिव होते हैं। फीमेल क्या होती है, ब्यूटी, काइंडनेस या फिर ग्रेसफुलनेस, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटीज़ फीमेल और मेल में पाई जाती हैं। अब यही क्वालिटीज़ जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स में लेके चलेंगे तो वहाँ पे हम ही या शी हिज हर का यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के साथ समझते हैं इस चीज़ को। जैसे मैंने लिखा फर्स्ट वन, ठीक है, हम इसको हम लेके चल सकते हैं। जैसे सन हो गया, माउंटेन हो गया, ठीक है, यहाँ पे हम लेके चलते हैं मून, अर्थ, हम बोलते हैं ना मदर अर्थ, तो वो मदर की क्वालिटीज़ बताएगा, मदर के कुछ फीचर्स बताएगा। जैसे मैं आपका यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस लिखूँ, नेचर ऑफर हिस या फिर हर लैप्स टू दोज हु सीक इट, ठीक है। सेकेंड वन में लिखूं, द सन केम बिहाइंड, द सन केम बिहाइंड द क्लाउड्स एंड विथ हिज या फिर इट्स ब्रिलियंस टोर द वेल ऑफ डार्कनेस, टोर द वेल ऑफ डार्कनेस, ठीक है। अब यहां पे मैंने आपको फीचर्स बता दिए मेल और फीमेल के। जैसे मैंने लिखा, नेचर ऑफर्स His, her, laps to those who seek it, ठीक है। तो नेचर को हम किसकी तरह कंसिडर करते हैं, लैप्स होता है गोद या फिर आंचल। तो हम जब भी कुछ फील कर रहे हैं तो उसका कैसे होगा हमारा, इसके फीचर्स जो हमारे मेल फीमेल को लेके, ठीक है। तो नेचर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हर, ठीक है। द सन केम बिहाइंड द क्लाउड्स एंड विथ हिज इट्स ब्रिलियंस टोर द वेल ऑफ डार्कनेस। तो सन इज अ नॉन लिविंग थिंग, बट इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हिज, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रूल नंबर 4। चलिए, आज के ये हमारे चार रूल्स हो गए हैं। तो नेक्स्ट रूल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको पढ़िए। नेक्स्ट हम कल कंटिन्यू करते हैं इसके साथ।